उत्तराखंड एसटीएफ की कमाऊ टीम ने गदरपुर से असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया और एसटीएफ को पिछले दिनों वचन सिंह के अवैध हथियार बनाने और उसकी तस्करी करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से वचन सिंह एसटीएफ के रडार पर था। एसटीएफ के सीओ सुमन पांडे ने कहा कि वचन सिंह वर्ष 2003 से हथियारों की तस्करी कर रहा है और वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में इन अवैध हथियारों की सप्लाई करता है। उन्होंने बताया कि वचन सिंह और उसके साथी उत्तर प्रदेश के कलकत्ती जंगल में हथियार बनाते थे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एसटीएफ के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर एक बच्चन नाम का अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है और इसको हमने थाना क्षेत्र गदरपुर सकैनिया से वो किया, गिरफ्तार किया है। इसमें ये जो है बच्चन सिंह, ये सन 2003 से अवैध हथियार बना रहा था और लगातार ये यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब तक इनकी खेप को सप्लाई करता था। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि लगभग अभी तक ये 1000 से ज़्यादा ऐसे अवैध असले बना चुका है। कल जो हमने बरामदगी की है, इसके अंदर 2 शॉटगन्स हैं जिनको पोनी कहते हैं और 3 तमंचे हैं। और जब इससे पता किया तो 2018 के अंदर गदरपुर थाना क्षेत्र से ही इसको फैक्ट्री, अवैध हथियार की फैक्ट्री में भी ये जेल जा चुका है।